नमस्ते सभी को। जैसा अभी असाइनमेंट पर डिस्कशन हो रहा है स्टेप फाइव में, उसी प्रकार हम लोग कल हिंदी सत्र में भी स्टेप फाइव के असाइनमेंट पर डिस्कशन कर रहे थे। और हम लोगों ने कल कुछ गृह कार्य लिया था, कुछ ध्यान में देने के लिए बातें ली थी, तो उस पर हम लोग शेयरिंग के साथ, प्रश्नों के साथ शुरू कर सकते हैं। तो अभी तक जितनी हम लोगों ने यात्रा की उसको थोड़ा सा ब्रीफली अगर देखो, तो अभ्यास दो में हम मैं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से इसमें एक अनिवार्य बात यह है कि मैं और शरीर, ये दोनों वास्तविकताएं हमको अलग अलग स्पष्ट हो। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने मैं और शरीर, इन दोनों वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का प्रयास किया। और ये दिखता है कि मुझे अपने होने का पता अपनी क्रियाओं से चलता है, और शरीर के होने का पता शरीर से मिलने वाली संवेदना से चलता है। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था स्टेप वन में। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जिस प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है, उसको हमने देखा कि मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। मैं शरीर को संकेत देता हूँ और शरीर में संवेदनाएं हो रही है जिसको मैं पढ़ता हूँ समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार। स्टेप थ्री में हमने देखा कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच, उसमें निर्णय मेरा है, शरीर का नहीं। स्टेप फोर में हमने संवेदना को और बारीकी से देखने का अभ्यास किया, तो दिखता कि संवेदना और मेरे बीच दूरी है। और इसी को देखते देखते ये भी स्पष्ट हो जाता है कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है, तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संवेदना नहीं हूँ, संवेदना मुझसे बाहर है, शरीर भी मुझसे बाहर है। ये बात हमें स्टेप फोर में स्पष्ट हो जाती है। स्टेप फाइव में हम इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी किस तरह की संवेदनाएं मुझे प्राप्त होती हैं। तो दिखता है कि तीन स्रोत हैं, एक तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार जो मुझे शरीर के माध्यम से पहुंचता है, दूसरा शरीर के बाहर जो भौतिक रासायनिक घटनाएं हो रही हैं वो शरीर के माध्यम से पहुंचता है, और तीसरा शरीर में होने वाली क्रियाएं। इन तीनों ही प्रकार की संवेदनाओं को मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, जितना मुझे आवश्यक लगता है उतना मैं पढ़ता हूँ। और फिर हम लोगों ने इसको आगे ऑब्जर्व किया कि मैं इसको सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि इसको अर्थ भी देता हूँ। तो जो भी संवेदना मुझे मिलती है उसको मैं अर्थ देता हूँ। और ये भी देखा हमने कि जो मैं अर्थ देता हूँ वो मेरे संस्कारों पे निर्भर है, मैं अपने संस्कार से जोड़कर अर्थ देता हूँ। यदि मेरा संस्कार सही समझ सही भाव पर आधारित है तो मैं उसे सही अर्थ दूंगा, अगर ऐसा नहीं है तो अनिश्चित रहेगा। अब जो भी मैं अर्थ देता हूँ उसके आधार पर मेरे अंदर प्रतिक्रिया होती है या जिम्मेदारी का भाव बनता है, और फिर वैसा ही मैं शरीर को निर्देश देता हूँ और फिर शरीर के साथ निर्वाह करता हूँ, और वैसा ही बाहर अभिव्यक्ति होती है। इस बात को हम लोग बारीकी से देखते रहे। इसमें दिखता है कि 9 स्टेप्स शामिल हैं। जो करने का काम है वो ये है कि इसको हम बिल्कुल बारीकी से देखें, एक एक भाग में क्या हुआ। बाहर कोई घटना हो रही है, मैंने निर्णय नहीं लिया तो नहीं पढ़ा उसको, तो सूचना मुझ तक पहुंची नहीं, शरीर पे प्रभाव पड़ रहा होगा परंतु मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो संवेदना मैंने पढ़ी नहीं, वो एक बात है। फिर मैंने निर्णय लिया कि संवेदना को पढ़ना है, फिर संवेदना मुझ तक पहुंची, फिर मैंने उसको एक अर्थ दिया। अब मैंने क्या अर्थ दिया इसको भी देखना है। फिर आगे ये भी देखना है कि ये अर्थ मैंने किस आधार पे दिया, किस प्रकार दिया। फिर ये भी देखना है कि उससे मैं कैसे प्रभावित हुआ, मैं सुखी हुआ, दुखी हुआ, आराम में रहा, परेशान हुआ। फिर जैसी मेरी स्थिति बनी वैसा फिर मेरे अंदर या तो प्रतिक्रिया तैयार हुई या एक जिम्मेदारी का भाव तैयार हुआ, फिर वैसा ही मैं शरीर को निर्देश देता हूँ और फिर शरीर वैसा ही आचरण करता है। तो ये एक एक भाग को हमें देखने की जरूरत है। इसमें जो मुख्य भाग है वो ये है कि ये जो मैं संवेदना को अर्थ देता हूँ उसके आधार में कोई संस्कार है मेरा, और यही संस्कार मेरे सुख दुख का कारण है। पूरा संस्कार सही समझ सही भाव पर आधारित हो जाए तो मैं निरंतर सुख की स्थिति में रहता हूँ, नहीं होता मैं दुखी परेशान होता रहता हूँ। और हमें से हर व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ ही संघर्ष कर रहा हो दिखाई देता है। तो यदि मुझे अपने संस्कार के प्रति होश है तब तो मैं इसमें परिमार्जन कर पाता हूँ,
यदि ये होश नहीं है, परिमार्जन नहीं कर पाता हूं। इसी क्रम में हम लोगों ने कल असाइनमेंट लिया था कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ या कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ देखें कि हमारा कैसा व्यवहार चल रहा है। तो मैं दूसरे की आवाज को सुनता हूँ, यानी उस संवेदना को मैं पढ़ता हूँ, इसमें मेरा निर्णय शामिल होता है। मैं ध्यान नहीं देता हूँ, नहीं सुनाई पड़ता, ध्यान देता हूँ सुनाई पड़ता है। फिर मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ, फिर जैसा अर्थ देता हूँ उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, सुखी या दुखी होता हूँ। फिर मैं प्रतिक्रिया पूर्वक या जिम्मेदारी पूर्वक स्वयं में निर्वाह का निर्णय लेता हूँ, फिर आवश्यकता अनुसार शरीर को निर्वाह के लिए संकेत देता हूँ, और जैसा मैं संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है। जी, इस बात को यदि हम कल ऑब्जर्व कर पाए हों तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे ही शरीर से बाहर कोई घटना घट रही है उसमें भी इस क्रम को देख सकते हैं। तो आप बैठे हुए हैं, ठंड लग रही है, यानी ठंड है। अब आप रजाई को खींच लेते हैं अपने पैर के ऊपर, ये अपने आप हो गया या इसमें आपका निर्णय शामिल है? इसमें आपने कोई अर्थ दिया था या नहीं दिया था? ये प्रतिक्रिया थी या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह था, ये कैसे तय करेंगे? शरीर को निर्देश कैसे गया? वैसे ही किसी ने घर में आवाज लगाई, उस आवाज को मैंने सुना और सुनने के साथ मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति क्या बनी, मेरे अंदर क्या चलना शुरू हो गया? ये जो कुछ चलना शुरू हो गया, ये अपने आप शुरू हो गया या उसमें मेरा अपना संस्कार जुड़ा है, उसमें मेरे द्वारा दिया गया कोई अर्थ जुड़ा है? 10 मिनट अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं। कल जो भी व्यवहार हुआ उसमें से कुछ चीजों को हम चुन सकते हैं अपने अंदर देखने के लिए। इसमें आपको और भी चीजें ध्यान में आएंगी कि पहले व्यवहार हुआ फिर मैंने अर्थ दिया, या ऐसा तो नहीं मैं पहले कोई अर्थ देकर बैठा हुआ था अपने अंदर और जैसे व्यवहार हुआ वो अर्थ और पुष्ट हो गया, या मैंने कोई अर्थ दिया हुआ था जैसे ही वो व्यवहार हुआ अर्थ बदल गया। भैया, मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि जो हम कोई संवेदना को पढ़ने का निर्णय लेते हैं तो उसमें भी कई बार के हर बार यही दिखता है कि हमने पहले से कुछ मान्यता बना रखी है, तो कुछ मान रखा है, उसी के आधार पर संवेदना को पढ़ते भी हैं। जैसे कि अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हैं, तो उसमें कुछ लोगों की आवाज हमें सुनाई देती है और कुछ लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती है, जबकि दोनों सभी लोग उस समय बोल ही रहे होते हैं। तो वहां भी हमने डिसाइड ही कर रखा है कि हमें किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। तो बाद में मान्यता की बात करें तो उससे पहले ही मानना तो होता ही है, जिसको शायद अवेयरनेस भी कह देते हैं कुछ लोग कि अवेयर नहीं है। तो हमने कुछ लोगों के बारे में मान रखा होता, उनकी आवाज तो सुनाई देती है, तो कुछ लोगों के बारे में ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है ये इम्पोर्टेंट है ये ऐसी बात करेंगे नहीं, तो उनको हम सुन भी नहीं पाते। तो क्या ये ठीक है भैया, ऐसा है? मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो संवेदना को पढ़ने का मैंने निर्णय लिया, ठीक है ना, उस निर्णय का भी तो कोई आधार है। तो जो मैंने अर्थ दिया उसका भी आधार है, बट जो मैंने निर्णय लिया था संवेदना को पढ़ने का उसका भी कोई आधार है। वो मेरे संस्कारों में, मैं जिस चीज को महत्वपूर्ण मानता हूँ उधर ध्यान देता हूँ। तो जैसे कल बात हो रही थी कि परिवार के 4 लोग हैं, मार्केट से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, पति का ध्यान किसी एक तरह की वस्तु पे जाता है, पत्नी का ध्यान किसी दूसरे तरह की वस्तु पे जाता है, बच्चा है अगर मेल है उसका ध्यान किसी एक तरह की वस्तु पे जाता है, फीमेल है किसी दूसरे तरह की वस्तु पे जाता है। तो जिसको हमने महत्वपूर्ण माना हुआ है उधर हम ध्यान देते हैं, तो उसमें मेरा संस्कार जुड़ा हुआ है। फिर जो भी हमारे को संवेदना पढ़ने में आ रही है उसको मार्क देते हैं, उसमें मेरा संस्कार जुड़ा हुआ है। फिर उसके आधार पर मैं प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, फिर मैं रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ, फिर शरीर को मैं निर्देश देता हूँ नहीं देता हूँ। अब इसमें सब में हमारा संस्कार काम कर रहा है तो है ही। तो टिपिकली आप देखिए, जैसे बात हो रही थी ना कि
दो लोग बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या अपने माँ अपने में ही देखें, कोई व्यक्ति बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा है, ठीक है ना। अब वो जिस टीम के साथ अपने आप को एसोसिएटेड मानता है उसके अनुसार प्रभावित होता है। अब किसी व्यक्ति को दोनों ही टीम से एसोसिएशन नहीं है तो मैच में क्या हो रहा है कोई लेना देना ही नहीं है, कोई जीते कोई हारे। वैसे ही घर पे कुछ अतिथि आ गए, तो आप देखिए कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से चुन लेता है उसको किसके साथ बात करनी है। लोग वही जी आए हैं, बच्चे बच्चे को चुन लेते हैं, मेल मेल को चुन लेते हैं, फीमेल फीमेल को चुन लेते हैं। तो जो हम निर्णय लेते हैं उसमें हमारा संस्कार जुड़ा हुआ है। जी भैया, तो मैं यहाँ पे भैया यही पूछना था कि हमारा बाद में जो प्रभावित होना और उसको अर्थ देना, तो बाद से पहले ही एक होता है कि हम सुने या ना सुने, जो निर्णय है उसमें भी हमारी कुछ मान्यता या समझ इन्वॉल्व होती ही है। बिल्कुल, तो मैं निर्णय पूर्वक दूसरे की आवाज को, आवाज की संवेदना को पढ़ता हूँ, ये जो बात लिखी हुई है। तो जी यहाँ पे हमारा संस्कार तो जुड़ा ही हुआ है। जी भैया जी तो ऐसा करते हैं, हम लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, इसी को और बारीकी से अपने आप में देखते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। जी बढ़िया, तो इस स्टेप को हम बारीकी से ऑब्जर्व करते रहें, इससे हमें अपने बहुत सारे संस्कारों के प्रति होश जगेगा। बहुत सारी चीजें जो हमको लगता है कि यकायक हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, इसमें निर्णय की क्या जरूरत है, ये तो होता ही है, उसको आप देख पाएंगे कि उसके आधार में हमारा अपना संस्कार बना हुआ है। इनफैक्ट इसको भी आप अगर शोध करना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि संस्कार कैसे निर्मित हुआ, बट वो थोड़ा आगे का काम है ना, अभी तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि संस्कार कैसे निर्मित हुआ, मैं इसको कैसे अर्थ देता हूँ, इस अर्थ को देने में क्या आधार है, उस आधार में क्या आधार है ना, उसको और गहरे में देख सकते हैं। क्यों मैं किसी चीज से भयभीत हो जाता हूँ, क्यों मैं किसी चीज के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ, क्यों मैं किसी चीज से रिपेल हो जाता हूँ, क्यों मैं किसी चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, क्यों मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ, है ना। तो ये सब हमारा संस्कार ही है, और कैसे निर्मित हुआ इसको भी देख सकते हैं। इसको हम ऑब्जर्व करें अपने आप में, इसमें काफी कुछ अपने आप में दिखेगा। इन तीनों स्रोतों को हम बारीकी से देखें, इस पर उन्होंने समय भी लगाया है, कोई दूसरे मनुष्य का व्यवहार है ना, ऐसा हो सकता है किसी मनुष्य के साथ हमारा ठीक नहीं चल रहा है, संबंध में सुख नहीं मिल रहा, आप उस व्यक्ति को देखने के पहले भी निर्णय लेते हैं उधर देखना है कि नहीं देखना है, फिर वो व्यक्ति आपको देख के हंस दे तो देखिए आपके अंदर क्या भाव विचार चलता है, वो व्यक्ति भी आपको न देखे अवॉइड कर ले तो देखिए आपके अंदर क्या भाव विचार चलता है। आप उसको ग्रीट करें, अगला व्यक्ति आपको ग्रीट ना करे तो देखिए क्या भाव विचार चलता है, आप ना ग्रीट करें वो ग्रीट करें तो देखिए क्या भाव विचार चलता है। इन सबको देख सकते हैं, और यहाँ कैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव सुनिश्चित हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज को भी देख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग लिखें, है ना, हमारे संस्कारों में क्या क्या है, इन तीनों स्रोतों में देखें, व्यवहार से मैं कब कैसे प्रभावित होता हूँ, किसी अगले व्यक्ति किस बात से मुझे गुस्सा आ जाता है, कोई व्यक्ति हो, किस बात से मैं आराम में रहता हूँ, किस बात से मैं खुश होता हूँ, कोई आकर आपके बारे में क्या कह देता है तो आप खुश हो जाते हैं, क्या नहीं कहता है तो आप दुखी हो जाते हैं। वैसे ही हम देखें शरीर में क्या घटना घटती है तो उससे हमारे अंदर क्या भाव तैयार होता है, क्या विचार तैयार होता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं का मुझ पर प्रभाव पड़ता रहता है, भूख लगती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, पेट भर जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठंड लगती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो बाहर का प्रभाव है ना, गर्मी लगती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसी गर्मी में कुछ लोग एकदम से व्याकुल हो जाते हैं, कुछ लोग आराम में बने रहते हैं, उसी ठंड में कुछ तो बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे, कुछ लोग आराम में रहेंगे,
थोड़ा सा आपको किसी के लिए वेट करना पड़ जाए, आप हो सकता है बहुत व्याकुल जाते हैं, तो व्यक्ति आराम में रहते हैं। तो इन सब चीजों को हम ऑब्जर्व करें, किस तरह से हम अपने अंदर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। जी, संस्कार कैसे निर्मित हुए इस पर भी हम लोग बहुत बात नहीं करेंगे, परंतु अपने संस्कार को आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये जो मेरे अंदर ये भाव तैयार हो रहा है, ये भाव ऐसा कब से तैयार होना शुरू हुआ, जो मेरे अंदर ये विचार चल रहा है, ये विचार कब से चलना शुरू हुआ। जैसे आपने कोई न्यूज सुना और न्यूज में कुछ दिखाया गया, अब उस तरह के लुक्स का हर व्यक्ति आपको वैसा ही दिखने लगता है, वैसा ही लगने लगता है, तो हमारा एक संस्कार निर्मित हो गया। जब जैसा ही उस लुक्स का कोई व्यक्ति सामने आता है, हमको लगता है ये उसी प्रकार का व्यक्ति होगा। आपने कोई बात सुनी, उस बात से कोई घटना जुड़ी हुई है, जैसे ही आप उस तरह की बात दोबारा सुनते हैं, वो घटना पुनः स्मृति में आ जाती है। हो सकता है घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, किन्हीं का डेथ हो गया, और वो हो सकता है प्लेन से जा रहे थे, अब आपको हर फ्लाइट से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना घटित हो जाए। तो एक संस्कार निर्मित हो गया, अब फ्लाइट से जब भी घर के किसी सदस्य को भेजना हो तो अंदर वो भाव विचार चलने लगता है, जिससे घर में ऐसा नहीं हुआ है उसके अंदर ऐसा भाव विचार नहीं चलता है। नहीं, अभी आपने सुना कि नेपाल में एक प्लेन क्रैश हो गया, अब नेपाल से आने वाले हर प्लेन के बारे में कुछ शंका लगी रहेगी, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये हम देखें तो हम कुछ न्यूज में सुन लेते हैं, कुछ आसपास से हमको सूचना मिलती है, इन सब से हम प्रभावित होते रहते हैं, अगले व्यक्ति का व्यवहार हमको मिलता रहता है, इनसे हम प्रभावित होते रहते हैं। कोई चीज हमने खाई और उसके बाद बीमार पड़ गए, ठीक है ना, अब उस चीज के बारे में कोई चर्चा भी करे तो हमारा भाव बदल जाता है, उसको खा के मैं बहुत परेशान हुआ था, शरीर में इतनी सारी समस्या हो गई थी, जिसके 5 पेज है ना डिटेल्स हैं, उसको हम अपने आप में और ऑब्जर्व करते रहे। हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो स्टेप 6 में ये बात हो रही है कि बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया यानी जिम्मेदारी को देखना। कोई दूसरा मानव है, उसका व्यवहार हो रहा है, उसका बोलना हो रहा है, जेस्चरिंग हो रही है, या बाहर कोई सुविधा है, कोई भौतिक रसायनिक वस्तु है, उसमें कोई भौतिक रसायनिक प्रक्रिया हो रही है, गर्मी सर्दी स्वादिष्ट भोजन आदि, इनका शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही देखें तो शरीर में होने वाली घटनाएं भी हैं, सांस लेना है, सरदर्द है, जो शरीर में संवेदना उत्पन्न हो रही है। तो मैं में देखें तो संवेदनाओं को पढ़ता है, फिर अपने संस्कार के साथ जोड़कर संवेदनाओं को अर्थ देता है, जो मान्यता या समझ आधारित हो सकते हैं, क्या करना है इसका निर्णय लेता है, इसमें हमारी जिम्मेदारी का भाव हो सकता है या प्रतिक्रिया हो सकती है, आवश्यकता हो तो शरीर को सूचना देता है और फिर ये शरीर तक पहुंचता है। तो हम जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये कैसे तय होगा। तो जब मुझे संबंध स्पष्ट होता है तो मैं हर बार संबंध में भागीदारी के अर्थ में ही निर्णय लेता हूं, ये जिम्मेदारी है। अगर संबंध स्पष्ट नहीं होता तो कभी संबंध कभी विरोध, ऐसा निर्णय में उथल पुथल चलता रहता है। वैसे व्यवस्था स्पष्ट होती है तो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में निर्णय लेता हूँ, तो मेरे अंदर जिम्मेदारी का भाव दिखता है। व्यवस्था स्पष्ट नहीं होती तो जिम्मेदारी का भाव नहीं दिखता, फिर उथल पुथल लगा रहता है। सहअस्तित्व स्पष्ट होता है तो सहअस्तित्व के अर्थ में भाव विचार चलता है। तो प्रतिक्रिया अगर देखें, प्रति मतलब होता है दूसरी तरफ से, उल्टा, दूसरे ने कुछ किया इसलिए मैंने उल्टे में कुछ किया, तो ये तो प्रतिक्रिया है। जिम्मेदारी मतलब मैं अपनी तरफ से, इसको अनुक्रिया कह रहे हैं, समझ के अनुसार मैं भागीदारी करता रहता हूँ, ये अनुक्रिया है। इस बात को हम सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार हो रहा है। इस अभ्यास को हम दिन में और बढ़ाएं, ये तीनों ही स्रोत आपको दिखाई देंगे, ये तीनों ही स्रोत दिखाई देंगे, है ना, और इन तीनों का मिला जुला रूप भी दिखाई देगा,
आपके सिर में थोड़ा दर्द है, आप ऑफिस से आए हैं थके हुए हैं, ठीक, और आपसे कोई कह दे कि कप चाय बना दो, आवाज वही है परंतु शरीर में जो दर्द हो रहा है उसके साथ जोड़कर जब हम इस आवाज को सुनते हैं, इस आवाज को सुनने का हमारा निर्णय तो है ही, तभी हमने सुना। अब जो अर्थ देते हैं एक प्रकार से देते हैं, हम घर पे हैं, सिर में दर्द नहीं है, शरीर स्वस्थ है, और कोई कह भी नहीं रहा आपसे कि चाय बना दो, तो आप जाकर खुद ही पूछते हैं क्या बात है आज कोई चाय के लिए नहीं कह रहा। आप उसमें कोई कहे कि चाय बना दीजिए तो आप एक अलग तरह से अर्थ देते हैं। तो शरीर में कुछ संवेदना हो रही है उसका भी प्रभाव है, बाहर की बहुत सारी घटना है, आप ठंड में बैठे हैं और डोर बेल बज जाए, ठीक, अब कौन जाकर दरवाजा खोलेगा इसे बहुत सारा भाव विचार चलता है, क्या मेरी जिम्मेदारी है अगर कोई अगला व्यक्ति आ गया ऐसे और टाइम पे तो मैं ही क्यों जाऊं, मुझे ही क्यों कहा गया जाके दरवाजा खोलो, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। भैया मैं ये अब्सॉर्ब कर पा रही थी, 2-3 दिन से मेरा चल रहा था, हालांकि मेरे को भी सुनना ही अच्छा लग रहा है भैया, जो भी है ना क्लियर होता जा रहा है, बट मेरे को जहाँ कल आप एक संस्कार की बात कर रहे थे, संस्कार जैसे भैया जैसे कि बाहर से कुछ संवेदना आई और उसको मैंने अब्सॉर्ब किया और वो विद इन मतलब सेकेंड भी नहीं लगा उसको चेंज होने में, और जैसे लगा कि उसको एक जैसे शब्द आप बोलते हैं ना कि शब्द दिया उसको, जैसे दिया कि हाँ ये ऐसे हो सकता है ऐसे, और वो जैसे फिर वो संस्कार इतनी डीप डीप दिखती है और उसमें फिर लगता है कि उसमें भाव क्या है, मेरा निर्णय तो मैं ले रही हूँ लेकिन ये कि इसमें मेरा इसमें अर्थ क्या है लेने का, मतलब मैंने ऐसे सोचा भी तो क्यों सोचा, तो भैया फिर वो ये दिखता है कि अंदर भाव तो बहुत अच्छा बना हुआ है और सबके प्रति, जैसे चाहे वो हम कहते हैं कि व्यवस्था में बड़े व्यवस्था में जैसे कोई भागीदारी आप बन सकते हो तो उसके प्रति एक जैसे भाव बनता है, फिर एक जैसे परिवार के प्रति लगता है, फिर लगता है कि भाव तो वो बना ही हुआ है, और संस्कार की जहाँ हम बात करते तो ऐसा लगता है कि संस्कार भी कहीं तो जैसे एक होता है कि जैसे उसको क्या मैं शब्द नहीं दे पा रही हूँ अभी, जैसे किसी को अगर मुझे बड़े व्यवस्था में जाके उसको भागीदारी करना है तो उसको मैं देख पा रही हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए होना चाहिए ऐसे, और एक होता है कि जैसे कई बार भाव ये आ जाता है मेरे मन में, जैसे उसको मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि जैसे मैं अच्छी हूँ ठीक है ये अच्छी बात है, मैं ही अच्छी हूँ तो मुझे ये लगता है कि नहीं ये मेरी ईगो आ रहा है, तो ऐसे ही दूसरे की फिर दिखता है तो कि दूसरे को अगर मुझे उठाने का काम करना है या किसी की कमी को मुझे नहीं गिनवानी है तो उसमें मुझे जैसे कल एक बाबा भैया ने अपने एक शब्द दिया था कि उसको जिम्मेदारी पूर्वक कैसे उसको देखना है और उस संस्कार को भी देखना है, उसमें वो पोटेंशियल तो है देखने की और उसमें करने की भी, लेकिन उसको हमें कैसे सहयोग देना है, तो एक भैया वो बहुत डीप डीप इतनी बारीक बारीक से मतलब संस्कार ऐसे दिखते और फिर लगता है कि वो भाव तो बना ही हुआ है और उसमें फिर ये लगता है कि उस जगह पर जैसे जैसे लगता है कि इतना दूर देखने के बाद लगता है कि अल्टीमेट यहाँ मतलब जैसे कि एकदम सिमट के एकदम से खालीपन सा लगने लगता है और फिर लगता है कि जो खोज कर रहे थे या जो चीज हम ढूंढ रहे थे क्या वो यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है, तो फिर खोजना ढूंढना क्या रह गया बाकी, तो बाकी फिर भैया ये लगने लगता है मुझे कि आप तो जो मतलब वो जैसे बड़े भाग्यदारी में अगर अगर कुछ जैसे हम कर सकते हैं किसी के लिए तो एक हमारी वो जिम्मेदारी रह जाती है और वो जिम्मेदारी को फिर देखना है कि कितनी अवेयरनेस के साथ मुझे देखना है और वो संस्कार में टिक के मुझे कितनी सच्चाई और जैसे कि हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, एक बहुत सफाई से और बहुत एक भाव से उसको जिम्मेदारी से निभाना है, तो भैया ये मुझे ऐसे दिखने लगती है, ये मुझे लगता है बहुत तेज में भाग जाती हूँ फिर मैं नीचे आती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं अभी अभी जैसे आपने बोला ना कि ये संस्कार ऐसे डीप डीप आएंगे देखो उसको और बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगता है स्टेप 5 में इससे और ही भाग गई हूँ आगे, फिर मुझे लगता है फिर मैं पीछे आऊँ मुझे भी और देखना है और देखना है, तो
भैया इतना धैर्यता आ जाती है, ऐसा लगता है कि बस मैं अभी सुनते ही रहूं, बस इसको सुनते ही रहूं, मेरे को क्लियर हो रहा है, वो अंदर चल रहा है, जैसे आप बोल रहे हो मेरे चलता जा रहा है साथ साथ, लेकिन जैसे बोलने लगते तो काफी सारे शब्द मेरे छूट जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है भैया, इसमें आप कुछ मुझे बताए। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी कि हर एक स्टेप के साथ आप अपनी गति को देख पा रही हैं और उसमें देखने में और आपकी मतलब शार्पनेस आती जा रही है, गहराई आती जा रही है। और उसमें बस थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि हमें ऐसा ही करना है, इस तरह के निर्णय में जाने के बजाय हमें देखें ये कैसा है। तो जैसे मुझे दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक ही जीना है, इस निर्णय को लेंगे अगर और हमें जिम्मेदारी स्पष्ट न हो या भाव स्पष्ट न हो, व्यवस्था स्पष्ट न हो, तो हम दबाव में आने लगते हैं। जी फिर वो हमको लगता है कि वापस चले, है ना, ये ज्यादा हो गया, मैंने अपने ऊपर ज्यादा दबाव डाल दिया, बोझल हो गया हमारा, है ना, अपनी कल्पनाशीलता ही। तो उससे फिर हम अपने आप को वापस खींचते हैं। तो हमें ये दिखाई दे कि ऐसा नहीं कि हमको संबंध पूर्वक ही जीना है, हमको ये दिखे कि संबंध ही है, मैं देख पाऊं चाहे ना देख पाऊं, ये एक मेजर शिफ्ट है। तो एक तो है कि हम कभी संबंध कभी विरोध को लेकर सोच रहे थे, अभी हम ध्यान दिए और इस निर्णय पे आ पाए कि संबंध पूर्वक जीना है। उससे और आगे देखेंगे तो दिखता है कि संबंध ही है, मैं जीऊं चाहे जैसे भी। ये जो स्थिति बनती है ये सहजता की स्थिति है, उसमें फिर आपको आगे पीछे वाला भाव नहीं आएगा कि इस संबंध में और आगे बढ़े या अपने आप को वापस रोक ले, खींच ले। तो ये हम कहीं ना कहीं अपने आप को फिर कंडीशनिंग कर रहे होते हैं कि पहले एक तरह की कंडीशनिंग थी, विरोध माना हुआ था, उसको थोड़ा ओपन किया तो संबंध और विरोध दोनों ऑप्शन लेके चले। अब हम फिर अपने आप को एक निर्णय ले रहे हैं कि संबंध पूर्वक ही जीना है, बट अभी संबंध स्पष्ट नहीं है। तो पहले से तो बेहतर स्थिति है कि कम से कम इतना निर्णय करने का साहस तो बना, इतना निर्णय तो बना, बट ये हमारे अंदर एक बोझ के रूप में है, एक दबाव के रूप में है। तो और एक्सप्लोर करेंगे, दिखता है संबंध ही है ना, अगला चैतन्य इकाई है, जितना विकसित हुआ है उतना आचरण कर रहा है, मैं जितनी विकसित हुई हूँ उतना आचरण कर रही हूँ, शरीर के माध्यम से वो भी अव्यक्त हो रहा है, शरीर के माध्यम से हम भी ये व्यक्त कर रहे हैं, ठीक, दोनों ही निरंतर हैं, शरीर सामयिक रूप से साधन के रूप में उपलब्ध है और ऐसा ही निर्वाह चल रहा है, ऐसे ही पूरा समाज चल रहा है। तो समाज कैसा है, प्रकृति कैसी है, अस्तित्व कैसा है, इसका जब हमको ज्ञान होता है तो फिर हमको अलग से कोई अपने में मतलब अपने ऊपर दबाव डालकर निर्णय नहीं लेना पड़ता, निर्णय सहज रूप से होता रहता है। कोई का संबंध ही है, देख पाए ना देख पाए, दिखा पाए ना दिखा पाए, है तो ऐसा ही। ये जो आश्वस्ति होती है, इससे सबसे पहले तो हमको अपने आप में कल्पनाशीलता में आराम मिलता है, हम अपने आप में बैठे रहते हैं और हम अपनी कल्पनाशीलता से ही तृप्त होते रहते हैं। अभी हम अपनी कल्पनाशीलता से भी तृप्त नहीं हो पाते इसलिए हम बाहर भागते हैं, तो वो एक सहजता की स्थिति बनती है। फिर उसके अनुसार हम समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले रहे होते हैं। इसमें ये भी होगा कि जो अगला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है ना, फिर अपने अनुसार कुछ आचरण कर रहा होता है, फिर उसकी योग्यता को देखते हुए हम पहले से ही तय कर पाते हैं इस व्यक्ति के साथ कैसे निर्वाह करना है ताकि इसके अंदर समझ बढ़े, इसका भाव सुनिश्चित हो। तो जी ये जो सहजता की स्थिति है कि मुझे दिखे कि संबंध ही है ना, व्यवस्था ही है, मैं देख पाऊँ ना देख पाऊँ, अगले को दिखा पाऊँ ना दिखा पाऊँ, अगला देख पाए ना देख पाए, ये एक आश्वस्ति बनना, है ना, ये मुख्य बात है। फिर उसके बाद ये अपने ऊपर अलग से दबाव नहीं बनाना पड़ता। और शेयरिंग जी करते समय तो हम पूरी बात नहीं रख पाते क्योंकि हमारे तो बहुत सारा भाव विचार चल रहा होता है, शरीर की अपनी एक सीमा भी होती है और रखते समय कुछ चीज हमारे ध्यान से ओझल भी हो जाती है। जी भैया, ये एक्सरसाइज करते हुए पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब दूसरे के ही संस्कार मुझे दिखाई देते थे, मेरे खुद के कभी मैंने ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया था। लेकिन अभी पुणे में जो UHV की मीटिंग हुई, वॉलेंटियर्स, लीड वॉलेंटियर्स की मीटिंग हुई, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हुए मुझे एकदम से मेरे संस्कार दिखना शुरू हो गए और मैं उनको ऑब्जर्व कर पाई कि मैं कैसे इंटरेक्ट करती हूँ और दूसरों के व्यवहार का मेरे ऊपर क्या असर होता है। मैं पूरा मतलब पूरे सेशंस में एकदम शांत रह पाई और मैं ऑब्जर्व भी कर पाई, और सिर्फ मुझे ही मेरे संस्कार को ऑब्जर्व करना हुआ।
पहले ऐसे लगता था कि इतनी एक्टिविटी है तो मुझसे हो पाएगी कि नहीं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उसके लिए शुरुआत की तो सुबह से लेके शाम तक मैं पूरा एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाई मेरी खुद की। इसके पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं इतना एनर्जी लेवल नहीं मेंटेन कर पाऊंगी, ये मेरी मान्यता थी जो टूट गई इस एक्टिविटी में। और फिर ये भी विचार आता था कि अगर मैं इतना काम करूंगी तो थक जाऊंगी, फिर मैं सेशन नहीं सुन पाऊंगी, मुझे नींद आएगी शायद, ये भी मेरी सोच थी। तो मुझे पूरे सेशन में नींद नहीं आई, ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी काम कर सकती है, मतलब हम पूरा जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, सिर्फ सेल्फ को ही ऑर्गर ऑर्डर में लाना जरूरी है, ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है। तो ये मेरा एक्सप्लोरेशन हुआ भैया इस यूएचपी की मीटिंग में पूरी तरह से। बहुत बहुत बढ़िया दीदी। देखिए, अभी हम सब लोग को अपना पोटेंशियल का भी पता नहीं होता है, जो पोटेंशियल हाँ है हमें, तो पूरे अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने का पोटेंशियल है, और पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व परिवार के लिए व्यवस्था का आधार बनने का एक पोटेंशियल है। इनफैक्ट चाहते भी हम सब यही है कि हम में से हर व्यक्ति अपने पोटेंशियल को ठीक से यूटिलाइज कर पाए। अभी हम बहुत सारे महापुरुषों के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में, ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, कई बार उसको हम आश्चर्य से सुनते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, हमको दिखे कि सारा पोटेंशियल मुझ में भी है कि नहीं। हाँ जी, तो फिर हमको दिखता है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, उसको व्यवस्थित करने में हमारी भी भागीदारी है, और हम उसके स्तंभ बन सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं। हम जहां भी होंगे वहां व्यवस्था खड़ी हो सकती है, अव्यवस्था कम हो सकती है, लोग समझदार जिम्मेदार हो सकते हैं, मानवीय परंपरा का एक न्यूक्लिएशन प्रोसेस हमसे शुरू हो सकता है। ये सारा पोटेंशियल हम में है। चीज को हम अपने आप में जितना ठीक से देखेंगे ना, तो वो हमारे लिए भी उपकारी होगा और पूरे परंपरा के लिए, समाज के लिए भी। और आशा भी यही है कि इस तरह के अभ्यास को करते हुए हम में से हर व्यक्ति अपने पोटेंशियल को देख पाए, उसको यूटिलाइज कर पाए, तो स्वयं में जो बात होती रहती है कि अनुभव तक पहुंचना और परस्परता में मानवीय परंपरा तक भागीदारी करना, ये पोटेंशियल हम में से हर व्यक्ति में है। हम में से हर व्यक्ति एजुकेशन को मानवीय बनाने में एक बहुत ही आधारभूत मौलिक काम कर सकता है, समाज व्यवस्था के लिए बहुत ही आधारभूत मौलिक काम कर सकता है, एक रोल मॉडल हो सकता है पूरे समाज के लिए। इसको तो हम जितना जितना, जो बात शुरू में भी हो रही थी ना, कि अपनी अंतर शक्तियों का जितना नियोजन करेंगे, बाहर से समेट का जितना अपने भीतर लगाएंगे, अभी बहुत सारा समय, प्रयास, ऊर्जा हम बाहर लगा देते हैं, वो भी अनावश्यक रूप से। उसको जितना अपने अंदर लगाएंगे, उतना हमको दिखता है कि हमें इतना पोटेंशियल है ना, कि हम पूरे वास्तविकता को, सत्यता को जैसा है वैसा देख सकते हैं, और उसको समाज में ले जाने के लिए एक परंपरा स्थापित कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति में। इसलिए अब जहां हम समस्या में उलझे रहते हैं, जहां हम ज्यादातर समय समस्याओं को याद करते रहते हैं, उसके बजाय हम समाधान के स्रोत हो सकते हैं, अपने लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। धन्यवाद भैया। भैया जैसे पिछले सेशन में कर रहा था तो उतनी उतना समय इसमें नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका थोड़ा सा अखड़ता है। और होता क्या है कि मैंने अनायास ध्यान जाता है हमेशा कि ये जो हम कर रहे हैं सही समझ के आधार पर है या नहीं है, संबंध व्यवस्था सहिष्णुता पर बराबर ध्यान रहता है। लेकिन देखते हैं क्या कि ये जो संबंध का भाव ये अस्पष्ट है कि ये संबंध ही है, दूसरे भी संबंध ही है, लेकिन कुछ समय रहता है क्या चाहिए उसको प्राथमिकता नहीं देकर अभी जो काम कर रहे हैं इसको कर लें, उसको बाद में देखेंगे कि ये संबंध है या विरोध का है इस पर। तो ये मेरा संस्कार है या फिर कुछ और? यदि है संस्कार तो इसको और परिमार्जित करने का क्या मेरा हो सकता है तरीका? देख, करने का काम तो वही जो अभी कर रहे हैं, सही जी के प्रस्ताव को ठीक से अपने अंदर कल्पनाशीलता में स्पष्ट करना, उसको जांचना, जी कर देखना, उस अर्थ में अपने भाव सुनिश्चित करना,
और ऐसा करते हुए चिंतन बोध अनुभव क्रिया को जागृत करना, यही तो करने का काम है, वही कर भी रहे हैं अभी, प्रयास भी उसी के लिए कर रहे हैं। जी तो अभी दिखिएगा हमारा बहुत सारा बैगेज है संस्कारों का, ठीक है ना। देखिए होता ही है कि जब हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं ना, हमको बात अपील करती है, फिर हमको एक आशा जगती है कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ध्यान रहे कि सिर्फ आशा जगी है, अभी विचार पे भी ठीक से काम नहीं हुआ है, इच्छा पे भी ठीक से काम नहीं हुआ है। काम तो बहुत आगे तक का है, इच्छा में भी अधिक से अधिक अभी चित्रण तक ही पहुंच पाते हैं, चिंतन शेष है। तो जो आशा जगती है उससे हम बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक, उससे हमारे अंदर एक उत्साह बनता है। फिर जब जीने जाते हैं तो हमारे गहरे गहरे संस्कार जब निकल के आने शुरू होते हैं तो कई बार निराशा भी बनती है, काम बहुत मुश्किल है, ठीक, ये होना भी है कि नहीं होना है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा बहुत सारा निराशा भी बनता है। तो आशा जगना तो अच्छी बात है, पर हमको साथ में ये दिखा सिर्फ आशा ही जगी है, अभी इसका विचार पुष्ट होना है, अभी इच्छा पुष्ट होनी है, उसमें भी काफी समय लग सकता है। और जो भी बात हो रही थी, पोटेंशियल तो हम सब में है अनुभव तक पहुंचने का, ठीक, तो उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने में हम खुद ही बाधक होते हैं, बाहर की कोई परिस्थिति बाधक नहीं होती, और जो बाधा है वो हमारे संस्कारों में ही है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारे निर्णय लेने भर से उस संस्कारों में परिमार्जन हो जाएगा, ठीक है ना, उसको उसकी पूरी प्रक्रिया है अपने अंदर देखने की, समझने की, मूल्यांकित करने की, उससे तो गुजरना पड़ेगा। और अभी देखिए हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, है ना, खाते पीते हंसते खेलते संबंधों का निर्वाह करते बहुत तरीके से कर रहे हैं। अभी जो बात है कि अपने अंदर ठीक से ध्यान देना, अपने अंतर शक्तियों का नियोजन करना, इसको तो अभी हम हो सकता है ठीक से नहीं कर पा रहे जो करने की जरूरत है, है ना। तो बाहर समेट कर स्वयं में ध्यान देना अभी हम नहीं कर पा रहे, उसको करेंगे तो फिर आगे और अच्छी संभावना बनेगी। तो आशा जगना अच्छी बात है, परंतु आशा के स्तर पर उपलब्धि नहीं होती, उपलब्धि तो चिंतन बोध अनुभव के स्तर पर है। तो आशा से ऊपर उठकर चिंतन बोध अनुभव तक पहुंचने में समय तो लगेगा, पोटेंशियल है, परंतु उसके लिए जो निश्चित कार्यक्रम है उसको पूरा करना होगा, ध्यान देना होगा, प्रायोरिटी सेट करनी होगी। मुद्दा तो प्रायोरिटी का ही है कि नहीं? जी भैया, तो ये प्रायोरिटी है तो उसमें बहुत समय रहता है, और बहुत समय जानते हुए कि हमको इसको ही प्रायोरिटी देनी है, लेकिन थोड़ा टालने वाला होता है ना कि अच्छा अभी इसको कर लेते हैं उसके बाद। तो देखिए इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी नहीं बनी है। अच्छा अच्छा, और क्या जी, तो प्रायोरिटी विचार में थोड़ी बननी है, स्वयं में ठीक से दिखनी है वो, यही यही उपलब्धि है। खाली विचार करते हैं तो उसके साथ दूसरी चीजें भी मिली जुली रहती है। जी भैया, ये स्पष्ट हुआ, ये हमारी प्राथमिकता बनती ही नहीं है, इसीलिए वो प्राथमिकता के तौर पर उसको हम नहीं कर पाते। जी, स्पष्ट हुआ भैया। जैसे हम लोगों ने संबंध का और व्यवस्था की बात की, कई बार ऐसा लगता है कि जो बाहर की व्यवस्था है और जो बाहर के संबंध है उस पर जब हम थोड़ा सा अपनी भागीदारी करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे सारे लोग आपस में जो होते हैं वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, परंतु चिंतन और बोध के स्तर पर वो काम नहीं करना चाहते। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें जो कार्य करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और एक क्षोभ की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो यही है भैया कि इस पर काम कैसे करें, कि हम व्यवस्था में भागीदारी करना चाहते हैं परंतु उसको अपेक्षित रूप में क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। जी, क्रियान्वयन तो देखिए जो हम शरीर के साथ निर्णय लेते हैं उसमें जुड़ा हुआ है, परंतु उसके आधार में जो संस्कारों पे काम होना है, जो सही भाव सुनिश्चित होना है, चिंतन क्रिया जागृत करनी है, तो उसके लिए तो जो करने काम है उसको ठीक से करेंगे, समय लग सकता है ना। देखिए अभी हम बहुत सारे अपने अंदर ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प लेके चलते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हमको दिखे कि संबंध ही है ना, ठीक, अभी मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, ठीक, बट दिखने का मुद्दा तो यही है, व्यवस्था ही है, ठीक है, चीजें स्वनियंत्रित ही है, उसको देखना भर है। तो मुद्दा सारा देखने का है, हमको अस्तित्व को व्यवस्थित नहीं करना है, अस्तित्व पहले से व्यवस्था में है, उसको देखना भर है, और देख कर उसके अनुसार जीना अपने आप होने लगता है, यानी हमारा निर्णय सहज रूप से उसी अर्थ में होने लगता है। तो ये देखने वाला भाग है, इसको थोड़ा पुष्ट करना है अपने को। अभी हम लोग करने वाले भाग पे ज्यादा ध्यान दिए रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, ऐसी परिस्थिति में क्या करें, वैसी परिस्थिति में क्या करें,
ठीक, उसके आधार में जो भाव है वो हमको स्पष्ट नहीं रहता। और उस पर आप पाएंगे कि जब हम ध्यान देने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा शंका भी उत्पन्न होता है कि ऐसा ना हो कि इतना समय लग जाए कि कुछ नुकसान हो जाए बाहर कि नहीं, जी भैया ये भी आता है जी, कि हाथ से कहीं चीजें ना निकल जाएं। और जी तो हमको लगता है कि बाहर तो अर्जेंट बहुत सारा डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, ठीक। तो जो कई बार होता है ना कि नेसेसरी बट नॉट अर्जेंट, जी जी, तो अभी हम ज्यादा समय नॉट नेसेसरी बट अर्जेंट वाली चीजों में लगे रहते हैं क्योंकि चीजों को हम खुद ही बिगाड़ रखे होते हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम नेसेसरी बट नॉट अर्जेंट वाले पे काम करें। तो जो ज्ञान है वो नेसेसरी है भले ही अर्जेंट नहीं है। जी जी, तो फिर हमको जो बहुत सारी चीज अर्जेंट बाहर हो जाता है उस पर नहीं काम करना पड़ेगा। जी जी, धन्यवाद भैया। तो आज हम इस चीज को और देखें अपने आप में, ये काफी इसमें कुछ अपने अंदर एक्सप्लोर करने का है, बात थोड़ी सी है परंतु अपने संस्कारों में देखने का काम तो गहरा है। हम लोगों ने अभ्यास एक में भी देखा है उस चीज को, तो इसको हम अपने आप में देखें, फिर हम लोग कल आगे इस पर चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।